गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फिफ्थ. आज हम नई एक्सरसाइज 5.1 शुरू करेंगे और 5.1 एक्सरसाइज वो एडिशन है, एक्सरसाइज है. देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग. हमें यहाँ पे ये नंबर्स दिए गए हैं, इन नंबर्स को सम फाइंड करना है. तो इन नंबर्स का सम फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले इन नंबर्स को हमें कॉलम्स में अरेंज करना पड़ेगा. तो कॉलम्स में अरेंज करने के लिए हमने यहाँ पे इन नंबर्स को लिखा हुआ है. देखो 3, 2, 4, 0, 4, 1, 8. इसी तरीके से इसके नीचे हमने सेकंड नंबर लिखा हुआ है 4, 2, 5, 1, 6, 8, 1. और फिर हमने इसका थर्ड नंबर लिखा हुआ है. थर्ड नंबर हमने यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट किया है क्योंकि हम 1 से लिखना स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पे 8, 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5. और इनका जब हमने प्लस किया तो प्लस करने पर आपका आ जाएगा 6, 1, 8, 1, 3, 1, 7, 7. तो ज़रूरी है सबसे कि हमने यहाँ पर इस नंबर को इस तरफ क्यों लिखा. हमने इसलिए लिखा क्योंकि वंस को वन से प्लस करते हैं, टेंस को टेन से प्लस करते हैं, हंड्रेड को हंड्रेड से प्लस करते हैं, थाउजेंड को थाउजेंड से, टेन थाउजेंड को टेन थाउजेंड से, लाख को लाख से, और टेन लाख को टेन लाख से, और करोड़ को करोड़ से. क्योंकि इसमें करोड़ प्लेस नहीं है इसलिए यहाँ पे हमने इसको अलग रखा हुआ है. आप भी इसी तरीके से लिखेंगे, पीछे से लिखना शुरू करेंगे, यहाँ से इस तरफ से लिखना शुरू करेंगे नंबर्स को, और डिजिट्स के नीचे डिजिट लिखेंगे. कॉलम्स में रिटर्न करने के बाद उनको आसानी से ऐड कर सकते हैं. ओके, तो इसके और भी क्वेश्चंस हैं जिन्हें आपने सॉल्व करना है. वो क्वेश्चंस आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, ग्रुप में भेजा जाएगा पीडीएफ, उसमें आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं. चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन है फाइंड द फॉलोइंग नंबर्स. तो यहाँ देखिए एक देखिए 1, 11, 111, 1111, 11111, 1 lakh 11111, 11 lakh 11111. तो ये नंबर्स दिए गए, इन सभी नंबर्स को हमें प्लस करना है. तो देखिए यहाँ पे हमने इस तरीके से रिटर्न किया हुआ है, पहले 1 और 1 के यहाँ पे लिखा हुआ 11. तो देखिए वंस को वंस के नीचे हमने लिखा हुआ, ये अगर अलग जा रहा है तो जाने दीजिए उसको. इसी तरीके से यहाँ पे 111 है तो यहाँ पे वंस को यहाँ लिखेंगे, फिर ये टेंस, ये हंड्रेड, फिर यहाँ लिखेंगे वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड. इसी तरीके से वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लैख, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लैख, टेन लैख. तो हमने यहाँ पे लिख लिया. अब हम इन सभी को ऐड करेंगे. तो इन सभी को हमने ऐड किया, तो इसको देखिए ऐड करेंगे इन सभी को, तो यहाँ आएगा 7. इसको ऐड करेंगे तो यहाँ आएगा 6. इनको ऐड करेंगे तो आएगा 5. इसको ऐड करेंगे तो यहाँ आएगा 4. और यहाँ पर हम इसको ऐड करेंगे 3. और यहाँ पर ऐड करेंगे तो 2. और यहाँ आएगा 1. तो इनका ऐड जो ऐड आया वो आया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो आपने एक इसका एक क्वेश्चन और है जिसे आपने सॉल्व करना है. इसी तरीके से डिजिट के नीचे डिजिट लिखेंगे और उनको ऐड करेंगे. अगर कैरी है तो कैरी को हम आगे लेके जाएंगे और आगे वाले नंबर में हम प्लस करेंगे. जैसे वंस में कैरी आ रही है तो उसको हम टेंस के साथ प्लस करेंगे, टेंस में अगर कैरी आ रही है तो हम उसको हंड्रेड के साथ प्लस करेंगे. अंडरस्टैंड. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. ये आपका एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हमें रिप्लेस ईच वाई करेक्ट डिजिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. जहाँ पे हमने ब्लू कलर में जो डिजिट लिखे हुए हैं यहाँ पे स्टार बना हुआ है. क्वेश्चन देखेंगे आप तो वहाँ पे स्टार नज़र आएगा आपको, और इस स्टार की जगह पे आपने एक डिजिट रिप्लेस करना है जिससे ये आपका जो एडिशन है ये करेक्ट हो जाए. तो यहाँ पे एडिशन का साइन लगाना मैं भूल गया हूँ. देखिए तो यहाँ मैंने लगा दिया. तो देखिए यहाँ पे इस कैसे करेंगे, जैसे 3, 5, 5 होता है 13, और यहाँ पे स्टार दिया है तो 13 का यहाँ पे हमें रिटर्न करना पड़ेगा 3. हमारे पास कैरी होगी 1, 1 कैरी, और 1 कैरी को हम प्लस करेंगे 2 से, 3 हो जाएगा, 3 और 4 होता है 7. ठीक है, और यहाँ आंसर हमारा 0 आ रहा है. तो 7 में हम कितना प्लस कर दें कि 10 हो जाए. तो 7 में 10 3 प्लस करेंगे तभी 10 होगा. तो यहाँ पे हम यहाँ पर डिजिट जो आएगा वो आएगा 3. ओके, तो यहाँ 10 हो गया, 10 का 0, 1 कैरी आई, 1 कैरी को हम यहाँ प्लस करेंगे 4, और 1 5 हो जाएगा, और 3 5, और 3 होता है 8. 8 और 8 में हम क्या प्लस कर दें कि 10 फिर से हो जाए. तो 8 में हम प्लस करेंगे 2 को, तो यहाँ पे हम यहाँ पर जो डिजिट आएगा वो होगा 2. तो यहाँ हमने 2 लिखा हुआ है यहाँ पे, और 10 हो गया यहाँ पे. तो 1 कैरी, 1 कैरी यहाँ प्लस करेंगे 4, 4 और 3 होता है 7, और यहाँ आना चाहिए 9. तो 7 में हम कितना प्लस कर दें, 9 हो जाए. तो 7 में हम 2 प्लस करेंगे तो 7 और 2 हो जाएगा 9. कोई कैरी नहीं आएगी, 3 और 1 4 और 4 8, तो यहाँ पर आ जाएगा 8. देखा आपने, बहुत इजी है. इसका एक और क्वेश्चन है जिसे आपने सॉल्व करना है. आपको वो क्वेश्चन पीडीएफ के थ्रू मिल जाएंगे. इसके और भी क्वेश्चंस हैं इसी एक्सरसाइज के जिन्हें आपने सॉल्व करना है. ओके, आज के लिए हम बस इतना ही. होमवर्क है, होमवर्क करिए और शो कराइए.